अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं जाद चाय वाला मिलियनेयर। ये उस्मान है, इनका ब्रांड है डो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो होता है ना, डो विद द फ्लो। डोनट्स पे मबनी है, 16 इनकी ब्रांचेस हैं। वी आर गोना टॉक टू हिम। इतना यूनिक बिजनेस मॉडल पाकिस्तान में कम ही दिखने को मिलता है। बाहर तो भाई बहुत सारा मिलता है, एंड यू कैन रेप्लिकेट इट योरसेल्फ एज वेल। जरूरी नहीं है कि डोनट ही हो, बट वो कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूँ ना, वन डिश मिलियनेयर। जनाब वन डिश मिलियनेयर 28 ईयर ओल्ड हमारे सामने खड़े हैं। इनके यूनिट्स ऐसे होते हैं, व्हाट यू एक्चुअली लुकिंग एट, ये इनकी ब्रांच समझ लें। इस तरह के 16 इनके पास लोकेशंस हैं। हाउ मच डिड यू स्टार्ट विद? वन लोकेशन, इट वाज G11 डी वॉटसन, एंड वहां से मैंने आई स्टार्टेड ऑफ विद माय सेल्फ। मैं खुद ही एज अ सेल्स बना भी रहा था डोनट्स रात को, और उसके बाद दिन में एज अ सेल्समैन खड़ा हुआ था वहां पर बेच रहा। कितना अर्सा पहले? ये 2 साल पुरानी तकरीबन। एग्जैक्टली अभी अक्टूबर 2022 है, एंड September 2020 में जब कोविड पीक पे था, कोविड पीक पे था और सब कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद हो गए थे, शट डाउन हो गए थे। एंड आई वाज, क्योंकि मैं एक फूड एंथुजियास्ट हूँ, तो मुझे खाने का, मैं सोच रहा था किस तरह से अपना एक शुरू करूँ। तो दिस मॉडल मेरे दिमाग में आया कि क्योंकि रेस्टोरेंट्स वर क्लोजिंग डाउन एंड द ग्रोसरी स्टोर्स एंड द फार्मेसीज वर क्लोजिंग डाउन, सो हमने सोचा कि यार क्यों ना कि हम जो है ना अपने कियोस्क इन लोकेशंस के आगे रखें जो कि अभी फॉर द टाइम बीइंग बंद नहीं हो रहे। एंड खुदा ना करे आपकी जिंदगी में फिर से कोविड आए, ये स्ट्रेटजी याद रखना। पैसे कितने लगे थे, आपकी इन्वेस्टमेंट टोटल क्या थी? स्टार्ट पहला जो मैंने कियोस्क बनाया था वो 1 लाख रुपए का कियोस्क था। कहां से लाया था वो? मैंने खुद बनवाया था उधर पिंडी में जाके, एक लोहार है मेरा बड़ा। नो आई मीन वो फंडिंग 1 लाख रुपया कहाँ से आई थी? वो मेरे भाई ने मुझे दी थी, मेरे पास तो रुपये नहीं होते, लेकिन मैंने भाई के लिए, मैं तो आपको मैं थोड़ा सा अपना बताता जाऊँ। आप जॉब तो कर सकते थे ना? जॉब मैं कर सकता था, सो आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बाय डिग्री, लेकिन असल में है बेकर जिसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनाया गया। तो आखिरी पेपर दिया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, भाई का रेस्टोरेंट है जेसीज बर्गर्स के नाम से। शाम को कॉल आ गई कि 4 वेटर भाग गए, तो पेपर देख कर आया हूँ, शाम को घर आया हूँ, उसने कहा कि बेटा पहुँच जा, ज़रूरत है तुम्हारी। तो मैं फिर उसके बाद वहाँ गया हूँ, एज अ वेटर मैंने शुरू किया, फिर वो देन है, और उसके बाद से मैंने वेटर, फिर फ्लोर मैनेजर, फिर जनरल मैनेजर, देन मैंने जैसी इसकी मैंने मल्टीपल आउटलेट्स खुलवाई, नथिया गली, लाहौर, एंड देन फिर कोविड में अपना कलनरी का कोर्स करने चला गया 3 मंथ का लाहौर में, स्काफा के नाम से। या इट वॉज मच नीडेड, और मुझे जिस तरह का पैशन था तो उसको थोड़ा सा, हाँ, पॉलिश करने में बहुत ज्यादा फायदा। इंस्टीट्यूट का नाम क्या था? स्काफा के नाम से है, इट्स लाइक इट्स दुबई बेस्ड इंस्टीट्यूट, उनका सिस्टर ब्रांच है लाहौर में। किस जगह पे? इन लाहौर, लाहौर में गुलबर्ग में आपका। इफ ही इज रेकमेंडिंग इट, आई मैं तो उसको बैक कर दूंगा, इट्स वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, सो वी नीड इंस्टीट्यूट्स जितने ज्यादा हो सकते हैं। अच्छा जी, 1 लाख रुपए से शुरू कर लिया, 1 यूनिट खड़ी कर दी, व्हाट वाज द रिस्पांस पब्लिक का? रिस्पॉन्स पहले दिन से ही अच्छा था। मैंने जाके डोनेट्स में अपनी ट्रे में लेके ही जाया था, तो अभी भी मुझे याद है एक अंकल थे, वो आए कि बेटा मुझे दे दो, और अभी मैंने लगाया भी नहीं था, तो बस मैंने जल्दी जल्दी में, मैंने कहा सेल नहीं रोकनी, बेचना शुरू करो। तो बस मैंने फिर 10-10 उनको देना शुरू किए, और ये कि 30 डोनेट लेकर आया था, कोई डोनेट नहीं वहाँ पर वापस लेके गया। ये कि ऑनवर्ड्स, क्योंकि क्वालिटी में मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, क्वालिटी कम्स फर्स्ट, तो पहले दिन से अभी तक जो है लोग जो मेरे साथ स्टिक अराउंड हैं वो इसी वजह से ही हैं, क्योंकि द प्रोडक्ट इज़ गुड, द प्रोडक्ट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। मैंने चखा है एट योर फैक्ट्री, एट योर बेकरी, फैक्ट्री नहीं, एट योर बेकरी, राइट? तो इट वाज रियली लाइट। मुझे पहले डर था कि भाई बहुत डेंस होगा, जिस तरह मेजॉरिटी पाकिस्तान की ब्रेडिंग होती है, ठीक है, ब्रेड्स होती हैं, तो इट वाज नॉट लाइक दैट, अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ मेनी डोनट्स डू यू सेल अ डे? अराउंड 2000 डोनट्स हम बनाते हैं, 1800-1900 हमारा डोनट जो है वो बिकता निकल जाता है। प्राइस रेंज क्या है? आर यू ऑन द लो एंड, मिड एंड, हाई एंड? आई वुड से आजकल के ज़माने में जो प्राइस इंक्रीज हुआ हुआ है, मैं लोअर एंड ही कहूँगा, 220 रुपीज़ का है मेरा एक डोनट। इफ़ यू, इट इज़ इन इस्लामाबाद के, अगर आप हवाले से देखा जाए, आप कराची जाएँ वहाँ पर आपको चीज़ भी, आपको जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सस्ते मिलेंगे। इस्लामाबाद में चीजें एक्वायर करना, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पैकेजिंग मेरी बिक रहा है ना, हमारा ब्रा, यू डोंट हैव टू बी चीप, बिक रहा है ना, दैट्स इट, यू नो। बट द थिंग इज, इफ यू बाय 6 देन यू गेट अ डिस्काउंट, यू बाय इट फॉर 200 रुपीज, एंड इफ यू बाय 12 यू गेट इवन फर्दर डिस्काउंट, 190 रुपीज का आपको पड़ेगा फिर डोनट। तो प्लग इन कर ले, प्लग इन कर ले, इट्स फाइन, यू आर अलाउड टू। कीमती बंदा है, हमें सिखा रहा है। इस्लामाबाद के बाहर आपकी कुछ ब्रांचेस हैं? इस्लामाबाद के बाहर नहीं है, हाँ, पिंडी और इस्लामाबाद बहुत हम खेलते हैं, वो एक ही है ना, पिंडी इस्लामाबाद। हाँ, हम तो अभी एक हमारा एक ये मॉडल है जो कि हम इस तरह ग्रोसरी स्टोर्स और फार्मेसीज के बाहर हमने रखा हुआ है। द सेकंड थिंग दैट वी आर डूइंग इज, हमने यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट किया हुआ है, यूनिवर्सिटीज़ में हमारा है एयर फौजी फाउंडेशन स्कूल, फ्रॉबल स्कूल, बहरिया यूनिवर्सिटी, तो
वो वहाँ से भी हमें अच्छा, हमारा क्योंकि क्राउड ये यूथ बेस्ड क्राउड है तो आप किराया देते हैं या रेवेन्यू शेयर होता है जहाँ लोकेशंस आप सेलेक्ट करते हैं? इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन, ज्यादातर हमारा परसेंटेज बेस्ड है लेकिन कुछ जगहों पे हम रेंटल भी देते हैं। कुछ डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ी दैट यू कैन मे बी इनसे शेयर कर सकते हैं, यार ये गलती मत करना? गलती क्वालिटी पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज ना करना, क्योंकि जो कस्टमर है वो ही आपका कारोबार खुद चलाता है। अगर कस्टमर खुश नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आपका जो है ना कस्टमर के लिए आपको जितना भी करना पड़े, अगर उसका कोई गिला है तो उसको फौरन से दूर करें और बिल्कुल भी इस चीज़ पे जो है ना कॉम्प्रोमाइज। आप अगर बाउंटी डोनट बना रहे हैं ना तो पैराडाइज वाली बार बीच में मत लगाइएगा, ठीक है ना? बाउंटी की बाउंटी लगानी है। ये जो यूनिट्स हैं ये फ्रिज इन पे लगी हुई, चिलर लगा हुआ है? यस। हाउ मच डू दीस कॉस्ट? दे जब बैक इन द डे जब हमने बनवाया था तो 1,20,000 रुपए का था, अब तो प्राइस हाइक हुई है उसके बाद आई बिलीव थोड़ा और ज्यादा महंगा हो गया होगा। चिल्ड और अगर बगैर चिल्ड, बगैर चिल्ड ये जो बड़े काउंटर हैं आपको 50,000 तक का पड़ जाएगा, छोटा काउंटर 30,000 तक में आपको मिल जाना चाहिए। बना कैसे है? इट्स गॉट ऊपर क्या लगा हुआ है? एक्रिलिक की 8 या 12 mm की शीट लगी हुई है ऑल द वे अराउंड, बेवलिंग हुई है उसकी, यहाँ पे भी यहाँ पे ये उसको स्ट्रक्चर को होल्ड कर रही है, सॉलिड है। सस्ती चीज मत लगाइएगा, दरमियान में एल्यूमिनियम का वो ढांचा बना हुआ है, यू हैव दी स्लाइडिंग डोर्स और जो एक्चुअल चिलिंग सिस्टम है वो नीचे है एंड एयर टाइट हो, मक्खियाँ ना अंदर जा सके, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। क्योंकि अगर बाहर आप कोई भी डिस्प्ले लगा रहे हैं तो मक्खियों का और ये मॉस्किटोज का बहुत ज्यादा जो है मसला बनता है। तो और ऊपर क्या लगा हुआ है? लाइक अ स्टिकर, अ रियली ब्रांडिंग हुई है ऑल अक्रॉस, बट ऑब्वियसली ये सीख रहे हैं एंड आई थिंक यू रीब्रांडिंग ऑन करीब। यस, हमने इनके वो बेकरी पे ऑफिसेज पे नई ब्रांडिंग देखी है व्हिच यू आर लुकिंग एट राइट नाउ, ही इज गोइंग विद अ पिंक थीम, तो आई गेस उसके लिए आपने ये चेंज नहीं किया? जी बिल्कुल, अभी सबसे पहले मैं अपनी पैकेजिंग चेंज करूंगा एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली सारे के सारे कियोस्क को भी मैं रीब्रांड करूंगा। नए हैं, छोटे भाई हैं, इसलिए इनको बता रहा हूं कि हमेशा बीच में बजट रखा करें फॉर दिस टू बी चेंज, मे बी bi-annually या क्या कहते हैं once a year, ताकि you know first impression, मैं पहली बार आपका brand देख रहा हूँ while I've been in Islamabad right now, लेकिन मैं एक interview कर रहा था वहाँ पे आपका जिक्र हुआ and that lady was like, oh ये तो मैं खाती हूँ डी वॉटसन जाके, तो आपके कस्टमर जरूर हैं, उनको टेक केयर ऑफ देम एंड नहीं तो आपके मशाल आते रहेंगे। What's the बड़ा प्लान, कितनी ब्रांचेज आपने खोली है बिफोर यू गो फ्रॉम इस्लामाबाद टू अ डिफरेंट सिटी? और कितनी गुंजाइश है? इस्लामाबाद में तो अभी गुंजाइश काफ़ी है, इस्लामाबाद को अभी मेरी 16 है, इस्लामाबाद पिंडी तो आई बिलीव 50 तक एटलीस्ट यहाँ पे इस्लामाबाद पिंडी में हमारी हो सकती हैं ब्रांचेस एंड देन फर्दर लाहौर कराची, मार्केट बहुत ज़्यादा है अभी इस चीज़ की एक्सपेंशन की। नॉर्थ केटर किया, मेरा नॉर्थ को भी केटर करने का प्लान है। नॉर्थ में इस तरह का कोई प्रोडक्ट नहीं आपको मिलता फ्रेश, डेली फ्रेश मॉडल पर कोई नहीं देता, तो वो भी एक हम उसको भी सोच रहे हैं उस तरफ भी। तो या 50 के अराउंड यहाँ पे इस्लामाबाद पिंडी में, देर आर मल्टीपल मॉल्स, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़, मल्टीपल ग्रोसरी स्टोर्स, फार्मेसीज जो कि आप केटर कर सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी है, इंशाल्लाह ग्रोथ बड़ी होगी। वर बट मेरे साथ इतफाक करेंगे ये मॉडल दुबई जा सकता है? 101% मास्टर प्लान, मास्टर फ्रेंचाइज, यस मास्टर फ्रेंचाइज की दुबई जा सकती है। यहाँ पे क्या पैदा करो, ब्रांडिंग अपनी, ब्रांड कस्टमर बेस, ठीक है वो तैयार करो ताकि जब आप दुबई जाओ, जैसे ओपीटीपी दुबई गया वहाँ पे पहले तो पाकिस्तानी खाएंगे, फिर क्यूरियस जो क्राउड होगा वो खाएगा एंड इंशाल्लाह वो वहाँ पे जम जाएगा, ठीक है? तो वहाँ के जो बच्चे हैं वो हमारे इंशाल्लाह खानों पे, ब्रांड्स पे पलेंगे एंड आई एब्सोल्युटली थिंक यार ये इसको एक्सपैंड करना करोड़ भैया भी नहीं लगना, ठीक है? क्योंकि यही मॉडल हमें वहाँ पे लेके जाना है, फिर इसी को कतर कर देना, कुवैत कर देना, जो बड़े लाहौर वगैरह शहर है, डू यू वॉन्ट टू गो देयर योरसेल्फ या फ्रेंचाइज वहाँ पे करेंगे? अगेन सिटी में तो भी, कंट्री में भी तो हो सकती है ना इलाका सूबा बाय सूबा। बिल्कुल, मेरा जो मानना है, मैंने जो फ्रेंचाइज मॉडल से मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो इतना अच्छा नहीं रहा, मुझे मैं चाहता हूँ मास्टर फ्रेंचाइज की जा सकती है बट द क्वालिटी आई वुड लाइक टू, मैं चाहता हूँ कि उसमें मेरा वो तो अपने ही रखे ना, अपने ही रखे बंदे। मास्टर फ्रेंचाइज में क्या होता है, एक बंदे को आप जिम्मेदारी देते हैं, भाई लाहौर में तूने ना 100 ब्रांचेस खोलनी है एंड यू हैव टू डू इट इन द नेक्स्ट 3 इयर्स, ठीक है? और लेकिन क्वालिटी कंट्रोल वाले आप होंगे, उसमें आप
11% आपका होगा। आपका सिस्टम अगर प्रॉपरली बना हुआ हो, जैसे कि अगर इस्लामाबाद में आपका सिस्टम बना हुआ है ना, फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्शन यूनिट से लेके आपका डिस्पैच, डिस्पैच से कियोस्क मॉडल, एवरीथिंग, ये अगर आपका परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड एक सिस्टम है, देन ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट कॉपी पेस्ट इन लाहौर, कराची, वेयरएवर यू गो, फिर आपको मसला नहीं है आपकी, क्योंकि अगर आपका इस्लामाबाद ही आपने सही करके नहीं किया और हाफ हैजर्डली आप ऑपरेट कर रहे हैं, तो फिर वहां पे भी कियोस्क ही होगा। भागने से पहले चलना तो सीख लो। अच्छा, when are we seeing complimentary products? मुझे हॉट ड्रिंक्स यहाँ पे चाय कॉफी कब मिलेगी, कैपेचिनो कब मिलेगी, मुझे पानी कब मिलेगा? बिकॉज शुगरी फूड्स के साथ क्या होता है, आप एक हद तक खा सकते हैं, एंड बिफोर यू नीड, यार मुझे तो पानी पीना है, वाई लूज दैट कस्टमर? यू राइट, पानी तो, पानी के बारे में भी मैं चॉकलेट मिल्क एक फ्लेवर मिल्क बेस्ड में प्रोडक्ट्स करना चाहता हूँ, वो अभी और मशीन रखो, डीप ब्रांड वाइट लेबल वाली मशीन लाओ, मेक श्योर के अंदर क्वालिटी, यानी वो नेस्कैफे के ही इंग्रेडिएंट्स हूँ, ठीक है, बाहर पाएं जो मर्जी चीज हो, राइट, एंड देन अल्लाह लहर सला। नेस्कैफे के साथ हमने किया हुआ भी था एग्रीमेंट, बट अभी फिर देन अगेन आई वाजंट, वही मेरी बात है कि मेरा सिस्टम इतना परफेक्ट नहीं बना हुआ था, तो आई स्टेप्ड बैक अ बिट एंड मैंने डोनट्स पे प्लान में है, प्लान में है, कॉफी आएगी इंशाल्लाह, फ्लेवर्ड मिल्क मेरा एक प्लान है वो मैंने एग्जीक्यूट करना है, एंड इसी तरह छोटी मोटी ड्रिंक्स, क्रोसॉन्ट्स इज समथिंग दैट आई रियली लाइक टू मेक, इट्स वन ऑफ द टफेस्ट थिंग इन बेकरी फील्ड, बट आई रियली लाइक टू। अगर मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूं, हमारे जो इस्लामाबाद में एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे मे बी रन फार्मेसीज, दे मे बी रन ग्रोसरीज, वो ये रखवाना चाहते हूँ अपने सामने ऑन अ रेवेन्यू शेयर, राइट? वी वुड लव टू, हु शुड दे कॉन्टैक्ट, कौन सा ईमेल पे? They can contact at dowwiththeflow2020@gmail.com. We hamari formal email ID hai, idhar aap hame contact kar sakte hain. Yes, theek hai. Aapki square footage kitni hai? Aapki on average daily footfall kya hai? Agar aapka koi franchise hai, yani koi branded location hai, wo bata dein, and so forth and so forth. And kiraya would be available tarjeeh, no? किराया परसेंटेज व्हाटएवर जो भी आपकी प्रेफरेंस है, या तो फोन नंबर वगैरह भेज दीजिएगा, समथिंग दैट्स वर्किंग विद गुड आवर्स एंड यू गेट इन टच विद अस, ठीक है? ये मैं प्लग इन आपको दे रहा हूं, दैट्स गुड। एनी कोई चीज, कोई एडवाइस रह गई हो? एडवाइस यही है कि वो चीज करिएगा जो कि आप बस बहुत ज्यादा क्रेजी पैशनेट हो, अगर पैशन नहीं है ना, क्योंकि मैं पागलों की तरह मैंने डोनट्स बनाए हैं, फिर जाके कोई परफेक्शन आई है एक रेसिपी में और डोनट्स बनाए, मुझे वरना तो मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, वो छोड़, हाँ तो वो अगर मैं कर रहा होता 9 to 5, मैं वो भी बताना चाह रहा हूँ कि क्योंकि मैं पैशनेट नहीं था उसके बारे में, तो एक बहुत डल सी एक मेरी चीज, दिस वॉज, मैं क्योंकि पैशनेट था तो एक अच्छी चीज़ बनी, एक अच्छा प्रोडक्ट बना सका, और एट दी एंड मैं उसको फिर बेच सका, तो यही है कि आप वो चीज़ करें कि जो आप उठते सोते जिसके बारे में बस आप सोचें, जिसके लिए आपने, जिस चीज़ के लिए अल्लाह ने आपको बनाया, बिल्कुल ठीक है, ये एक बात हो गई। एक बात ही आपने दरमियान में कही थी कि यू आर हेल्पिंग विद योर ब्रदर्स, वो आप कर रहे थे, वो जो आप उनके रेस्टोरेंट रन कर रहे थे, डिड यू लीव दैट एंड स्टार्ट दिस, या भैया वक्त दोनों चलाए? मैंने पहले दोनों एक साथ चलाए, पहले मैंने जैसीज पर मैं काम दिन में कर रहा था वहाँ पे, उसके बाद फिर मैं शाम को आके वहीं से मैंने एक वेटर जो था जैसीज का वो मैंने हायर किया, उसको 20,000 rupees सैलरी पे रखा, और फिर मैं भी वहाँ पे एज अ सेल बॉय जाता था, जब मैं नहीं जाता था तो वो वहाँ पे खड़ा होता था, और मैं क्योंकि जैसीज पे काम कर रहा था तो एक एडवांटेज ये था कि उनका मुझे किचन यूज़ करने को मिल गया था, yes. तो फ्रायर उनका ऑलरेडी लगा हुआ था, उनका यू नो प्रूफर्स वहाँ पे थे, उनकी डो मिक्सर वगैरह ऑलरेडी वहाँ पे था, तो मुझे इस तरह से बेनिफिट हो गया कि मुझे अलग से फिर अपना मशीनरी खरीदनी नहीं पड़ी, उन्हीं की मशीनरी मैं यूज कर रहा था। और माशाल्लाह, दो चीजें यहाँ पे साबित होती हैं, नेटवर्किंग मैटर्स, आप किसको जानते हैं मैटर्स, दैट विल हेल्प यू, ठीक है, अपने वसाइल यानी अपनी बूटस्ट्रैप करें ना, शुरू में अपने सारे पैसे ना लगाएं, अगर किसी मामे चाचे का कोई बिजनेस इस्तेमाल हो सकता है तो यूज इट, अब्यूज मत करिएगा, ठीक है भाई, उनमें ठीक ठाक पैसे कमा रहा हूँ मैं वहाँ पे टिका रहूंगा, नहीं, उनको थैंक यू जरूर करिएगा। एंड द सेकंड थिंग इज कि ये बंदा दिन को काम कर रहा था, शाम को अपना कारोबार कर रहा था, सो यू कैन, इट इज साबित हो सकता है कि आप जॉब भी कर सकते हो, कारोबार भी कर सकते हो पार्ट टाइम, दैट्स ऑल आई वांटेड टू से उस्मान, ठीक है, जज़ाकअल्लाह हैरन, अल्लाह को बहुत तरक्की दे, लाइक आई सेड, मैं तो चप्पे चप्पे पे, ही इज अ हीरो, आपके हीरो हैं, आप हीरो ढूंढ रहे हैं ना, हेलो 28 साल वाले हमारे कितने वेले फेरे हैं भाई, पता नहीं वेयर टू स्टार्ट, इनको पता था भाई ही लव्स डोनट्स, ही स्टार्टेड सेलिंग डोनट्स।
एंड आप देख लो छा गए 16 ब्रांचेस। आप लोगों की कितनी ब्रांचेस हैं? एक भी नहीं। इफ यू आर अ कस्टमर ऑफ हिज, नीचे जाके ना इनको थैंक यू बोल दीजिए। इफ यू वॉन्ट टू से शाबाश, मैं तो ये देख लो ना, मैं ये प्यार भी दे दिया, शाबाशी दीजिएगा यार। हमारे लोग ना वो करते हैं, कंजूसी करते हैं शाबाशी में। यू सी एम दूर, ये बात से मिलना ही नहीं है, पहचानने ही कोई नहीं है। ओके, यू वांट टू से वन लास्ट थिंग, फिर खुदाफिज करते हैं। वन लास्ट थिंग इज दैट, एक और चीज ये कि आपने मार्केट को भी ना, मार्केट को भी मद्देनजर रखना है। सो डोनट्स वाजंट द फर्स्ट थिंग, वाजंट माय फर्स्ट प्रायोरिटी व्हेन आई गॉट इनटू कलिनरी फील्ड। मेरा, मैं पिज्जा एंथुजियास्ट था बेसिकली, मुझे पिज्जा बनाने का मैंने बहुत ज्यादा शौक था, मैं पिज्जा ही बनाता था ज्यादातर। लेकिन क्योंकि 100 लोग और पिज्जा का काम कर रहे हैं और हर जगह पे आप चले जाएं पिज्जा आपको मिलेगा, लेकिन मार्केट में जो एक बीच में लूप होल था वो डोनट्स का था, और इस्लामाबाद में डोनट्स उस तरह से कोई कर नहीं रहा था। सो मैंने एक स्ट्राइक किया कि डोनट्स पहले मैं करता हूँ एंड देन इधर से रेवेन्यू जनरेट करके देन आई विल परस्यू माय व्हाटएवर, यू नो, मैंने जो पिज्जा का करना है तो मैं बाद में करूँगा, पहले ये कि मैं पहले डोनट्स करता हूँ एंड देन मैं पिज्जा की तरफ जाऊँगा। गुलाब जामुन एंड आइसक्रीम पाकिस्तान में कोई नहीं करता, आंध कॉम्बिनेशन है, ठंडा गर्म, रसमलाई एंड असली रियली गुड क्वालिटी जेली क्यूब्स, ठीक है, पाइन एपल जेली, स्ट्रॉबेरी जेली, फलानी जेली, खा के देखो फिर शदाई हो जाओगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, उस्मान जिंदाबाद, डो विद द फ्लो, आप भी गो विद द फ्लो, राइट, और डू व्हाटएवर जो आपको आता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।